जिले के मंगरोप थाना इलाके के पातलियास के पास बह रही बनास नदी में एक बालक की डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि बालक अपने छोटे भाई के साथ नदी में नहाने गया था। वहीं बालक के डूबने की सूचना के बाद मंगरोप पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से उसके शव को बाहर निकाला। वहीं युवक भीलवाड़ा का रहने वाला था। वहीं थाना प्रभारी मोतीलाल रायका ने बताया कि हरड़ी महादेव पंचवटी कॉलोनी भीलवाड़ा निवासी गोविंद पुत्र पूर्णमल नायक अपने छोटे भाई के साथ पातलियास गांव के पास बनास नदी में नहाने के लिए गया था। नहाते हुए वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। बड़े भाई को डूबता देख छोटा भाई मदद के लिए चिल्लाने लगा, जिसके बाद आसपास के मौजूद लोग मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक गोविंद डूब चुका था। वहीं पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। बारिश के कारण नदी में पानी का वेग तेज था, जिसके चलते गोताखोरों को शव निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।